नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग. इट्स अ डे थ्री इन श्रीनगर और अभी मैं क्या कर रही हूँ. तो गाइस, आई एम जस्ट आयरनिंग माई दिस वुलन टॉप. आज का दिन शुरू करेंगे. तो आज का दिन जो है वो उसका प्लान कुछ ऐसा है कि हमें, मतलब मुझे नहीं पता था कि यूसमर्ग अभी बंद होता है, लाइक कम्प्लीटली क्लोज होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है तो इट्स क्लोज. अगर अदरवाइज मुझे यूसमर्ग जाना था एंड अहरबल वाटरफॉल जाना था, जिसकी पिक्चर्स मैं यहाँ पर डाल दूंगी, सो विल गेट टू नो कि मैं कौन सी जगहों की बात कर रही हूँ. दीज बोथ आर द वेरी ब्यूटिफुल प्लेसेज अराउंड श्रीनगर. तो बट ये समर्स में ही एक्सेसिबल होती है, अभी वहाँ नहीं जा सकते हैं ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन मिली है. और एक जगह से नहीं, बहुत जगह से. तो वी आर नॉट गोइंग देयर. ऑल्सो हमने फिर प्लान किया कि हम पहलगाम जाते हैं. एंड या पहलगाम के रास्ते में हमें जो भी ऑफ बीट, जो भी विलेजेस मिलेंगे, जो भी जगहें मिलेंगी, हम वो कवर करेंगे. और आपको मैं साथ में लेकर चल रही हूँ, ऑब्वियसली. आई विल शो यू गाइस. सो यस, लेट्स गो, लेट्स रोल एंड लेट्स बिगिन द डे. ओके गाइस, सो आई एम ऑल रेडी, ऑल सेट, वेयरिंग ऑल द लेयर्स. So yeah, let's go. हम हैं मटन करके एक विलेज है इन पहलगाम के रास्ते में, हम वहाँ हैं. और वहाँ यहाँ एक मंदिर है, सूर्य मंदिर है, साथ में गुरुद्वारा भी है. और यहाँ ये जो मंदिर की वाइब है, इट्स वेरी ऑब्वियसली, हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की वाइब भी अलग होती है, सेम यहाँ पर भी है. जय बोले की. ये सूर्यनारायण का मंदिर है, मारतंड जी. इस जगह का नाम ही मारतंड है और ये मंदिर का नाम भी मारतंड ही है. हर 2.5 साल के बाद में यहाँ कुंभ लगता है. पिंडदान यहाँ 12 महीने चलता है, मगर 2.5 साल के बाद में 1 महीने का जो पिंडदान है उसकी महिमा अपरंपार है. ये तो सूर्यनारायण की महिमा है, समझ गए. ये जल जो है शेषनाग झील का है, नागू में सर्वश्रेष्ठ नाग शेषनाग जो बाबा अमरनाथ में है, ये जल वहीं से आता है. हाँ सुनिए, ये बाबा अमरनाथ की भूमि है. यहाँ मानव, दानव, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर यहाँ सब रहते हैं. उन्हीं नागों में मारतंड नाग, जहाँ तीर्थराज होगा वहाँ नागराज अवश्य होता है, क्योंकि रक्षा का भार सब कुछ केयर टेकर यही करता है. इसमें जो मछली है वो नाग मछली है. अच्छा, ये पालतू नहीं हमने लाया गया है, इसमें डाला गया नहीं, ये अपने. हाँ बिल्कुल, ये नाग मछली है. सूर्यनारायण का बॉडीगार्ड ये नागराज है. और पिंडदान का आप क्या बता रहे थे? पिंडदान का आप क्या बता रहे थे? पिंडदान का यहाँ 12 महीने चलता है. अच्छा. मगर 2.5 साल के बाद में अधिक मास हाँ. उसकी महिमा अपरंपार है. अच्छा. कश्यप ऋषि के 12 पुत्र थे, 12 में अपना प्रॉपर्टी बांट दिया, 13वां जन्म लिया, उसके लिए कुछ नहीं बचा था. फिर हाँ. अपने पुत्रों से बोल के एक एक दिन निकाला, उनको बोला आप अपना एक एक दिन साल का निकालो, वही 2.5 साल के बाद में 1 महीना बनता है. उसी की महिमा अपरंपार है, समझ गए. ये जो मेन कुंड है इसमें ऐसा मछली है, जब वो निकलता है ये पूरा कुंड सोने की तरह चमकता है. अच्छा. हाँ, हम किताबी बातें नहीं बोलता है, जो बोलता है परफेक्ट बोलता है. जी जी, देखा है तब बोल रहा है. आप यहीं रहते हैं? हाँ बिल्कुल. अच्छा ठीक है, तो मतलब आप बचपन से यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं का जन्मा हूँ. यहीं जन्मे? हाँ बिल्कुल. क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू जी है, मैं पंडित जी हूँ. यहाँ मैं इसके सेवक हूँ. अच्छा, सेवक. हाँ बिल्कुल. जय बोले. जय बोले.
एवरीबॉडी। सो हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, हम पहलगाम की तरफ जा रहे थे, बट रास्ते में देर इज़ अ दरगाह अश्वकम, जहाँ पर बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग भी हुई है। आपने इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल गेट, यू हैव टू वॉक लिटिल बिट, स्टेयर्स है। सो ऑन आर वे टू पहलगाम वी आर, बट वी स्टॉप्ड हियर बिकॉज आई वॉन्टेड टू कि मैं देखूँ। राइट नाउ वी आर एंटरिंग, सो आई जस्ट कवर माई हेड एंड विल गो इन साइड दरगाह। लेट्स गो। हम अभी पहलगाम के रास्ते में हैं और यहाँ पर जो है ना क्विक रैपिड टेस्ट हो रहा है ऑन द वे पहलगाम एंटर करते ही। सो वो आपको करना है, बट लुक एट आज, मतलब कि गॉड एकदम ब्लेस कर चुके हैं मुझे, इट्स स्नोइंग गाइस। आई वॉज लुकिंग फॉर इट, आई वॉज लाइक जब से श्रीनगर आई हूँ, कश्मीर आई हूँ, तब से मुझे ऐसा लग रहा है स्नो हो स्नो स्नो एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग। मेरी ऐसे दिली तमन्ना पूरी हो गई, बिकॉज आई वॉन्टेड कि मैं जब कश्मीर में रहूँ तो स्नो हो एंड इट्स स्नोइंग। आई हाय, इससे पहले भी देखा है मैंने स्नोफॉल, बट ऐसे देख के ऐसे अच्छा लगता है ना, यू नो यू कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग राइट। सो अभी हम बस पहलगाम पहुँच गए, हम जाएंगे थोड़ा आगे अभी कहीं पर आराम से बैठ के ना, ये व्यू ऐसे नज़ारे नदी किनारे बैठ के विल इन्जॉय रिवर साइड पे। यस It started snowing and अभी तो it's snowing crazily, like oh my god, इतना अच्छा लग रहा है। एंड वी आर जस्ट राइट नाउ इट्स सिटिंग इन दिस होटल कॉल्ड पहलगाम होटल विच इज़ इन मेन रोड ओनली। सो यहाँ पर हमने भी लंच किया, वी हैड कश्मीरी दम आलू और दाल मखनी, या सिंपल खाना। सो पेट पूजा हो गई है एंड आई एम थिंकिंग क्या करना है, क्योंकि आउटसाइड इट्स स्नोइंग, तो ज़्यादा हम वॉक करके एक्चुअली रिवर साइड तक नहीं जा सकते हैं, बट विल फिगर इट आउट क्या करते हैं। टिल द टाइम लेट मी इन्जॉय दिस मोमेंट और थोड़ा चिल करते हैं। Everybody.
बॉडी. सो यस, हमारी फोटोग्राफी करके हो गया है, लाइक रील्स वीडियो वीडियो फलाना ढिमका सब कुछ क्लियर कर लिया हमने. और अगेन इट स्टार्टेड स्नोइंग, एज सून एज वी वर हैविंग लंच हम बाहर आए तो इट स्टॉप्ड स्नोइंग. एंड देन हमने पिक्चर विक्चर सब क्लिक कर ली, मैंने डांस रील बना लिया, सब कुछ कर लिया, एंड देन अगेन इट स्टार्टेड स्नोइंग. और दिस प्रॉपर्टी इज, एज आई टोल्ड यू, इट्स पहलगाम होटल. I would highly recommend. It's a very beautiful property. Like, अगर हम श्रीनगर ही नहीं पूरा बुक किया होता तो मतलब मैं डेफिनेटली यहाँ पर स्टे करती एक रात. It's very good, very nice. And अभी मैंने जैकेट निकाला था फॉर पिक्चर्स और बहुत ज़्यादा बहादुरी हो गई है, फटाफट से पहनती हूँ, ठंड लग जाएगी. सो या, वेन एवर यू आर कमिंग हियर आई शुड हाईली रिकमेंड कि आपको यहाँ पर एक बार मतलब रुकने के लिए यू कैन थिंक. और ये बहुत ज़्यादा स्नो तेज़ होती हुई तो अंदर जाते हैं, थोड़ा पहनते वहनते हैं जैकेट वैकेट, एंड देन यप आगे कहाँ जाते हैं आपको लेकर चलेंगे. मुझे लगता नहीं है कहीं जा पाएंगे जिस तरीके से स्नो हो रही है, बट आई एम एंजॉयिंग इट टोटली, लविंग इट. वहीं पर होती है, मतलब इस तरफ होती है बहुत ज़्यादा. तो हमने लिया सैफ्रॉन एक्चुअली, या तो ये जो शॉप है उसका नाम है रेड पर्ल सैफ्रॉन. यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको वो राइट हैंड साइड पे, मतलब आप पहलगाम से श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे आपको यू टर्न लेके वापस आना पड़ेगा, दैट्स इन राइट हैंड साइड. और हमारे साथ जो गुलाम जी, उन्होंने बताया कि वहाँ पर अच्छी क्वालिटी का मिलता है एंड दे आर ऑल्सो होलसेलर. तो आप अगर एक बार आएंगे, आपने देखा, आपने लिया और उसके बाद आपको बाद में भी चाहिए तो दे विल जस्ट कोरियर दैट. ऑल्सो वन मोर थिंग, केसर की पहचान अगर आप लोगों को नहीं, मुझे भी अभी आज ही आज पता चली है, मैं बड़ी प्रो बन रही हूँ. पर हाँ, एक्चुअली केसर की पहचान कैसे की जाती है कि जब आप उसे थोड़ा सा दो चार उसके जो भी पर्ल होते हैं उसको मुँह पे रखेंगे तो आपको टेस्ट थोड़ा सा कड़वा जैसा आएगा. अगर वो स्वीट है तो इट्स नॉट रियल, इट्स डुप्लीकेट. अगर आपको थोड़ा सा कड़वाहट जैसा लगता है तो इट्स रियल और वो आपके टंग पे जो है येलो टाइप का कलर आ जाएगा. एंड अगर वो डुप्लीकेट है तो रेडिश सा और वैसा सा आ जाता है, तो आप समझ जाओगे. अगर आपको नहीं पता था तो दिस इज द इन्फॉर्मेशन विच आई फील लाइक कि आप लोगों को बता देनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी आज ही पता चली है. मैं इससे पहले से लेती नहीं थी और मतलब मुझे इतना आइडिया भी नहीं था. मम्मी ने बोला लेकर आना तो आई डिड इट. बाय द वे, यप, अभी हम श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं और मे बी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है घर वालों के लिए, क्योंकि थोड़ी ऐसी आई है फरमाइश है कि भाई गई हो श्रीनगर तो कुछ लेकर आना. Yep, we'll take you along. कहाँ पर जाके क्या कुछ लेते हैं, बट पहलगाम वॉज गुड. और अभी मस्त सूर्य देवता ऐसे आ गए हैं सामने और इतना अच्छा लग रहा है कि अचानक से वेदर बदल गया है. वेरी नाइस. चलो, सी यू इन. तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि दिस इज माय फाइनल डे इन कश्मीर, इन श्रीनगर. तो अब मैं यहाँ से वापस निकलने वाली हूँ. अर्ली मॉर्निंग है, सुबह उठ गई हूँ, क्योंकि मेरी फ्लाइट जो है वो वैसे तो है 11:10 की, पर आजकल जो है 3 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज कोविड टाइम्स, थैंक्स क्यों या तो पता नहीं है वहां पर रैपिड टेस्ट हो जाए या क्या हो जाए, आई डोंट नो. बिकॉज आने टाइम तो ऐसा था कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देखा गया था और वो सर्टिफिकेट देखने के बाद हमारे यहाँ पर स्टैम्प लगाया गया था और हम निकल गए थे बाहर. बट पीपल आर सेइंग कि जाने टाइम दे आर डूइंग रैपिड टेस्ट, तो अभी पता नहीं कितना सच है कितना नहीं. तो अभी जाएंगे नीचे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके विल डायरेक्टली गो टू द एयरपोर्ट एंड वहां से फ्लाइट बैक टू दिल्ली. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. विल सी यू विद अनदर वीडियो विद अनदर प्लेस. टिल अनदर, बाय बाय, नमस्ते.